माँ के बाद एक आप ही हैं हरमन जी, वो मेरे लिए सबसे लड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा है किस बात से खुश हूं कि माँ के बाद अब भी कोई है मेरा हाथ थामने वाला, या फिर इस बात से दुखी हूं कि जिसने मेरा हाथ थामा है उसके अपने रिश्ते नाते सब बिखर गए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं। एक टिकट माही जी, लीजिए आपकी टिकट। थैंक यू। वैसे आई रियली फील सॉरी फॉर यू, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अब देखिए ना, इन लोगों का तो कुछ बिगड़ा नहीं, टूटा है तो आपका दिल, आपके अरमान। मैं आपके लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, और हाँ ट्रस्ट मी, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो ना तो बस एक फोन कॉल कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ, अगर आपकी शादी हरमन से होती ना तो मुझे बहुत खुशी होती। मैं तो आपको दिल से अपनी पापी मान भी चुका था। खैर जो भी हो, उस किन्नर को तो मैं भाभी कभी नहीं कह सकता। हरमन जी ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, और इसकी कीमत मैं चुकानी तो पड़ेगी। चलिए। क्यों छोड़कर चली गई माँ मुझे? मैं कब तक इस तरह से हरमन जी पर बोझ बनकर रहूंगी? क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं छोटी छोटी दी, क्या वो छोटी दी आप ठीक हो ना? वहाँ सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना आपसे? नहीं छोटी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हरमन जी का हर रिश्ता यहाँ बिखर रहा है। तू कैसे भी करके मुझे यहाँ से ले जाना। मैं इन लोगों के ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकती छोटी। मैं सुबह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। जीजू आप प्लीज 2-4 दिन के लिए दी को अपने पास रख लीजिए, फिर मैं उन्हें यहाँ अपने पास ले आऊंगी। एंड आई प्रॉमिस दी आपकी खुशियों में कभी बीच में नहीं आएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। फिर सुरभि, मेरी खुशी का एक हिस्सा सौम्या की खुशियों से जुड़ा हुआ है, और तुम परेशान हो रही हो, इसलिए सौम्या को वहां लेके जाने के बारे में सोचना भी मत। और अगर सौम्या वहां आई, तुम्हारे पापा उसे जान से मार देंगे। और आपके वहां पर भी तो वो सब। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सुरभि, 3-4 दिन में माहौल अपने आप ठंडा हो जाएगा। अब ये क्या नया स्यापा हो गया? सुरभि मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। Okay. हरम सिंह देख लो, खानदान निर्वंश हो गया तुम्हारा। ओ, अब कोई चिराग इस घर में नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं। ऐसा ना बोल, सब ठीक हो जाएगा प्रीत। सब ठीक हो जाएगा। हाँ प्रीत, सब ठीक होगा। हाँ कैसे? वो कैसे? वो किन्नर है आपकी, भूल गए? वो किन्नर है आपकी हरक सिंह जी, और बेटा बेटा दूसरा ब्याह करने को तैयार ही नहीं। वक्त बड़ा बलवान है प्रीत, वक्त बहुत बलवान है, सब ठीक कर देगा। सब ठीक होगा, होगा होगा, सब ठीक होगा, ठीक होगा। सन्नो किरण सुन रहे हैं ना, सब ठीक होगा, क्योंकि ये जो है पुतले बनाते, हाँ इन्होंने एक पुतला बनाया जिसके अंदर स्तर से ढेर सारे पुतले निकलते, उसके अंदर से जो ढेर सारे पोते पोतियां निकालेंगे, है ना, इस करके घर का वारिस निकालेंगे। हाँ तुझे देखा, चलो तुझे देखना, मैं उसमें से साइड ले लेंगे, इस घर का वारिस निकालेंगे। नहीं मैं अभी मैं हूं ना, देखो देखो, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं। ये पुतला ऐसा पुतला बनाएंगे कि मैं बताती हूँ। ये देखो मैं बताती हूँ, ये देखो, ये लो रखी, ये लो ना, ये आई पोती है, ये और भी है मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरे घर के लिए। देख चलो, देख, है ना, और भी है, ए लो जी, लो, ए देखिए, और भी है, ऐसा ही पुतला बनाएंगे जी, ये पौधा बोते बारिश निकालेंगे जी। देखो बारिश आ गया जी, बारिश आ गया। रख दीजिए, चलिए ना, रख दीजिए, बारिश आ गया, रख दीजिए, सुनिए ना। हरमन जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अब तुम्हें डर के नहीं, लड़ के जीना। प्रीत तो चिल्लाएगी, सुनाएगी, हरक सिंह भी बोलेंगे। अब दुनिया तुम्हारे सामने आवाज ऊंची करेगी, पर तुम्हें नजरें झुका के नहीं, आवाज उठा के जीना होगा, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। लेकिन आप... मैं वो परछाई हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ चलेगी, हर कदम, हर पल, हर मोड़ पर। और कभी अंधेरे में ना दिखूं तो समझ लेना तुम्हारे लिए खुशियों का उजाला ढूंढने गया हूं। वैसे बातें बहुत फिल्मी करता हूं ना, क्या करूं, ऐसी ही बातें करनी आती है मुझे। अब मुंह ठीक करो और खाना खा लो, दिन भर से कुछ नहीं खाया तुमने। मुझे भूख नहीं है जी। और मैं तो हूँ तुम्हारे सामने, ये प्लेट लिए खा लो, मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी? ठीक है। आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं, गए कहाँ ये राजकुमारी, इसको ढूंढो हाय। महलों से है भागी देखो, 100 दीवारें लांग कर, ढूंढो पकड़ो लेके आओ, सो रही चादर तान कर। रिश्ता इसका रब जी से है, देखो कितना खास। चल पुत्र, बड़ी रात हो गई है, चल सो जा मेरा बच्चा। मम्मी चली क्यों गई नानी? बताओ ना, मम्मी क्यों चली गई? ना बेटा, बस तू तो मेरा शेर बच्चा है ना। सब खत्म हो गया है नानी, मम्मी ने तो इस परिवार को जोड़ के रखा हुआ था और उनके जाने के बाद सब बिखर गया, सब बिखर गया। मुझे देख लो, अपना किया हुआ वादा भी नहीं निभा पाई उनसे। पापा ने दी को भी घर से निकाल दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई नानी। ये किन्नर है, किन्नर किन्नर है ये। किन्नर हो तुम। मुझे नहीं जाने, मुझे नहीं नहीं है, ये किन्नर है, इसको भगाओ यहाँ से। हरमन जी बचाइए। नहीं, मुझे बचाइए। हरमन जी लोग मुझे मार देंगे। मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लीजिए। मैं सौम्या, सौम्या, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, ठीक है? रिलैक्स, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पानी पियो। सोचा मैं यही हूं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.